राउरकेला हनुमान वाटिका परिसर रे निर्मित त्रिशक्ति धाम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उत्सव संपन्न हो जाए। बुधवार दिन प्राण प्रतिष्ठा रीतिनीति संपन्न होगापर श्रद्धा दर्शन लगे मंदिर खोला कर दि जाता। सात दिन धरी चली यज्ञ होम आदि आज पूर्णाहुति दि जाएगी। त्रिशक्ति धाम परिसर में सालसरा बालाजी श्री खटु श्याम बाबा एवं राणी सती दादीजी मंदिर प्रतिष्ठा कर प्राण प्रतिष्ठा उत्सवर सात दिन मध्य लक्षाधिक भक्त आगमन हो मंदिर कम्प्लेक्स को आज सका खटु श्याम परिवार पक्षर एक भव्य शोभायात्रा परिक्रमा कर त्रिशक्ति धाम पहुंची। आज मध्य सेठारे भक्त समागम लगि रही। त्रिशक्ति धाम प्रतिष्ठा होगा द्वारा राउरकेलार पर्यटन क्षेत्र में अभिवृद्धि हो पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा जय हनुमान ट्रस्टर चेयरमैन दिलीप राय कहते हैं। तो उस टाइम सोचा ऐसा कुछ किया जाए ताकि राउरकेला में अभी भी लोग आए, कुछ देखने के लिए चीज़ बनाना चाहिए। तब वो हनुमान वाटिका बनाए हम लोग। उस टाइम सबसे बड़ा हनुमान मूर्ति इंडिया में ही बना और एक अट्रैक्टिव अट्रैक्शन सेंटर बन गया कि पूरा दुनिया के आदमी आके देखने लगे और लोग जानने भी लगे। उसका बाद करीब 8 साल पहले हम लोग कुछ बैठे कि त्रिशक्ति मंदिर बनाने के लिए जब बात हुआ तो बोले कि जब बनाएंगे तो सबसे जैसा हनुमान जी का सबसे बड़ा स्टैचू बना था यहाँ पे मूर्ति बना था वो हिसाब से ये भी सबसे बड़ा मंदिर होना चाहिए। तो आज उसी की बात है कि राउरकेला में दादी बाप का खाटू श्याम जी का और सालेश्वर महाराज का एक ही दर्जा में एक ही दरबार का साइज में हम सबसे बड़ा मंदिर आज बना सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है ये हनुमान जी का मूर्ति, ये जो हनुमान वाटिका, उसके बाद त्रिशक्ति मंदिर होने के बाद एक टूरिस्ट स्पॉट हो जाएगा और लोग यहाँ जरूर आएंगे, विजिट करेंगे और मंदिर का दर्शन करेंगे। अभी सर, अभी हाल में ही आपने राजस्थान का दौरा किया था, उसके विषय नहीं? राजस्थान में हम सब मंदिर गए थे, सब मंदिर देख के आए। वहाँ का जो उनका ऑर्गेनाइजर है, जो मालिक है, उनसे सब बात करके आए थे, इनवाइट करके आए थे। वो सब भी आज आए हुए हैं, वो भी आज हमारे साथ जॉइन।